महाराष्ट्र विधानसभा में ओबीसी के आरक्षण का इशू आया और वो इशू में सरकार की तरफ से जो स्पष्ट भूमिका रखी गई, इसमें बीजेपी ने ही ओबीसी समाज का राजकीय आरक्षण कम किया और उसमें विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से उनका बैलेंस बिगड़ गया वो आप सब लोगों ने देखा, और उसके ऊपर में भी जाकर जो तालिका में अध्यक्ष थे उनको जाकर उनके दालन में धक्का मुक्की करने का भी काम किया गया। ये बीजेपी का जो ओबीसी समाज के विरोध का जो सही चेहरा है वो आज महाराष्ट्र के विधानसभा में स्पष्ट हुआ। अब आता खंडन केलं, आता ते ज्यांना धक्का मुक्की झाली ते आता सांगतीलच, आता खरे युद्ध आता पुढे चालू होणार आहे। माइक तोड़ने की कोशिश की गई, विरोधी पक्ष नेता ने अपना स्पीकर माइक तोड़ दिया, आज भी टूटा हुआ वो जगह पे है। और जब हाउस एडजर्न हो गया विरोधी पक्ष नेता की अगुवाई में बीजेपी के विधायक उनके चेंबर में गए, लगभग 15 मिनट के समय तक धक्का मुक्की करते रहे, अश्लील भाषा का प्रयोग करता रहे और लोगों के अंदर भय पैदा करने का काम अध्यक्ष महोदय और पीठासीन अधिकारी के मन में भय कैसे निर्माण हो ये प्रयास करने का काम किया गया है। ये महाराष्ट्र की विधानसभा में पहली बार विरोधी पक्ष नेता के नेतृत्व में गुंडागर्दी करके अध्यक्ष को डराने का जो प्रयास किया गया है उसकी निंदा करती है। निश्चित रूप से जो भी लोग हैं, जिस तरह का आचरण व्यवहार इनका रहा है, हम मांग करेंगे कि इन पर कार्रवाई हो। बीजेपी को समझना पड़ेगा कि बहुमत ये विधायकों के नंबर पे होता है। पिछले 1-1.5 साल से लोगों को डराना, धमकाना, जेल में डाल देंगे इस तरह की भाषा करना, और आज जिस तरह का आचरण बीजेपी के नेताओं का रहा, खास करके विरोधी पक्ष नेता का रहा, स्वयं अपने नेतृत्व में विधायकों को ले जाकर गिरवर जी जो हमारे आदिवासी उपाध्यक्ष हैं उनके साथ अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया, धक्का मुक्की की गई, भास्कर यादव जी के साथ कृत्य किया गया, निश्चित रूप से ये निंदनीय है। महाराष्ट्र के इतिहास में, महाराष्ट्र के विधानसभा में एक काला दिन है और इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो विधि अनुसार कार्रवाई विधानसभा की होगी इन पर कार्रवाई हो, यह हमारी भूमिका रहेगी।